करते हैं ईशान साफ कर दूर दूर चल मत कर ऐसा तो फिर भी अच्छे से समझ में आ रही क्या मेरे से बात ऐसा नहीं करना चिल्ला मत ए बस तेरा आवाज इरिटेट कर रहा है रो रहा है रो के तो लड़की भी है सो हेलो गाइस मैं हूं अभिषेक मैं हूं दिशा और हम हैं फोकस सो गाइस आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि हाइपा की होने वाली है गोद भराई yeah! और ये गोद भरा ऐसा पहली बार मैं तो पहली बार सुना होता रहेगा क्या नहीं पता नहीं कि लड़की लोग को ही जाना है और लोग फिर रसम करेंगे कुछ तो है ना लड़के लोग को नहीं जाना है बोला यार ऐसे ऐसा बहुत कम होता है ना त्योहार व्यवहार मतलब कि जाने मिले हुए लेकिन अब मिल रहे नहीं अभी लड़की लोग को बुला बोले की दावो पूरा रसम होने के बाद बोले कि हाँ ठीक है फिर लड़के लोग आ जाना तुम लोग लड़के लोग का काम रसम खत्म हो जाएगी करते क्या है कैसा करते तो पता ही नहीं चलेगा वो तो हाइफा ही बताएगी और क्या कर सकते हैं तो गाइज अभी आज हम लोग बहुत ज्यादा मजा नहीं आया अभी आयशा उतर रही है रेडियो के और हाइफा ने मेरे को बहुत सारी चीजें बोली थी लाने के लिए तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जब तक आयशा रेडियो के आ रही है सुबह होते साथ ही हाइफा ने मेरे को कुछ सामानों की लिस्ट भेज दी उसकी गोद भराई के लिए अभी मैं उठ के बोला जल्दी जाके जिम को छोड़ो पहले उसका गोद भराई का सामान लेके जाता नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लेट हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी तो सुबह सुबह उठ गया मैं अभी जा रहा हूँ सर सामान लेने के लिए तो लेकर आता हूँ देखता हूँ क्या क्या भेजी है उसने तो गोद भराई के लिए हाइफा ने बोली कि 7 तरीके के पहले फल लेना और 7 अलग अलग बोली ज़्यादा मत लेना 2-2 तीन ही लेना तो मैं बोला ठीक है तो 7 तरीके के फूल ये पहली बार मैं देख रहा हूँ और फल और बहुत सारे वो ड्राई फ्रूट वो सब कुछ ना कुछ तो लेने बोली है वो तो पहले फ्रूट्स ले ले तो यहाँ फ्रूट्स अभी डाले जा रहे भाई 2-2 3-3 डाल रहे तो जैसा भी रहेगा लेके जल्दी जल्दी निकलते भाई अच्छा वाला देना मीठा रहना चाहिए ज़रा सा भी कुछ उसमें इशू नहीं होना चाहिए हाँ टेस्ट भी तो आना चाहिए अब काट के खाएंगे तो तो अभी अभी हाइफा से अपडेट मिली है कि उसने बोली है वाटरमेलन थोड़ा हैवी हो जाएगा तो तू एक काम कर पियर या कुछ और ले ले जिससे वेट थोड़ा कम रहे तो क्योंकि वो गोद भरेंगे ना तो वो गिर ना जाए इस वजह से वो बोली भारी चीज़ मत ले तो लेकिन मस्त मेलन तो हो गया लेकिन ठीक है वो मस्त मेलन एक दो तो चलता ही है तो चलो अभी दूसरी चीज़ लेने चलते हैं एक प्रॉब्लम हुई है हाइफा ने एक सामान लेने बोली थी जो कि मैं ले नहीं पाया क्योंकि वो फूल अवेलेबल है ही नहीं तो जो फूलों का हार चाहिए था आया हाइफा को तो वो नहीं मिल पाया मेरे को अभी कुछ और बाकी जो सामान काजू बादाम पिस्ता ये वो नारियल छुआरा ये सब बोलिए वो ले लेता और जल्दी जल्दी जाके दे देता उसको तो अभी मैं लेने आया हूँ 7 मेल की मिठाइयाँ तो यहाँ पे 7 कलर की मिठाई भाई बहुत देर से चुन चुन के ऐड कर रहे हैं अभी इसमें से देखो हाइफा बोली कि ज़्यादा मत ले बस एक ही डब्बे में 7 मेल की मिठाई डाल के लेकर आ जल्दी जल्दी वही कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी ले रहा हूँ और ले कर निकलता हूँ तो मैंने सब सामान ले तो लिया हूँ यहाँ पे और मैंने हाइफा को फ़ोन करके बोला अभी अभी कि चल मैं तेरे को ला के दे बोला अरे नहीं भाई जब तुम लोग आएंगे ना तब लेते हुए आना बस अभी रख अभी अपने पास घर पे लेके जा मम्मी लोग के हाथ में थे मम्मी लोग लेकर आएंगे बोला चलो ठीक है अभी चलते थोड़ा खाने पीने का सामान लेते हैं और फिर घर पे जाके ये सब सामान रखते सो गाइस आज अभिषेक के ऊपर होने वाला है खतरनाक प्रैंक क्योंकि उसने किया था भाभी पे प्रैंक तो भाभी एकदम गुस्सा हो गए थे तो अभी मैं सोचा भाभी को कुछ आइडिया देता हूँ तो भाभी को मैंने बोला अभिषेक आएगा तो आप उससे तू तकार से बात करना तो उसका रिएक्शन देखते कैसा होता है क्योंकि बदला तो लेना बनता था ना और आप लोग ने भी जो बोले मैं लूंगा वो बात की बात है लेकिन अभी अभिषेक से बदला लेने का है भाभी को तो मैंने उनको बहुत खतरनाक आइडिया दिया चलो जाते ऊपर और स्टार्ट करते सबका रिएक्शन देखते कैसा रहता है अभिषेक का खास करके ये अभिषेक को जा रहे हो ओहो क्या दिख रही है मेरी बीवी चल तेरे बाप को सिखाऊंगा क्या हो गया भाभी साफ क्या करना गंदा करता है जितना साफ उतना गंदा रखता है विभा कैसा बात कर रहे हो विभा क्या हुआ क्या वो नींद पूरी नहीं हो रही है तुम्हारी उठा अरे उठा फेंक क्या उसको कहाँ है बेबा दिहाई ही नहीं यार नींद भी हो गया दिख रहा भी नहीं बेबा ये क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो बेबा ऐसा बात करते हो तुम मेरे से अच्छा
पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। कैसे लग रही भाई? मस्त ना। थैंक यू। अरे जा उठाना उसको ढूंढ के। बीवी जो बोल रही है एक बार कर लेना भाई। देखो मैं ऐसा बात करता हूँ तुमसे। तू कैसा भी बात कर जा। तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो सब है, सुन रहा है ये दिशा भी। गाना गाओ वाला अक्षत भी अंदर। गाना गाओ तो क्या करूँ, तू भी अंदर जा। बताओ ये कैसा बात कर रहे हो। अभी तक कचरा दिखा नहीं क्या तेरे को? अंधा ही हो गया है। अंधा हो गया है सब। आप में वो तार वार गिर गया था तेरे। वो क्या फालतू बात कर रहे हो? ए जा। हाँ एक नंबर। इसको दिख रहा नहीं था जब से बोल रहे थे देने के। पहला पता तो ना अंदर शादी नहीं करते। अब कर लिए तो झेल लो, क्या कर सकते हैं। अरे उठाना और वो कपड़ा लेके और ये सब। बेबा यार तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? इज्जत खराब हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। मेरी इज्जत बहुत है लोग के लिए। हाँ मेरी इज्जत के वजह से मैं मेरी इज्जत वो नहीं करूँगी। बहुत इज्जत है आप। सही है अच्छे दिख रहे हो और ऐसी बात कर रहे हो। बोल रही तेरे बाप को मत सिखा, अच्छी लगती हूँ मैं। बार बार मत बोल अच्छी लग रही है। अभी ये बाप को सिखा अच्छा नहीं लग रहा है, इंग्लिश में बोलो डोंट टीच अ फादर। डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक बेबीज। यस जाओ, यू गो कपड़ा जाओ। ए सुन सुने, ए कपड़ा भी लेके आओ। सुन ले पहले क्या बोल रहे है। फिर सुनाने वाले काम करता है फिर बोलता है कैसा बोल रहे हो। इसको बोली थी चार्ज पे लगाने, मेरा फोन लगाया चार्ज पे। किधर है फोन? तुम्हारे पास ही था आते टाइम। चल मेरे फोन दे, दे फोन। बहरा हो गया। अरे माँ क्या बात कर रही है बल्लू। बहरा अंदर सब हो गया। तेरे को क्या हो गया? तू बैठ जा जा। कैसे बात कर रही है? पूरी नहीं हुई क्या बेबा? मेरे से बात ऐसा नहीं करना। मेरे से भी कर रहे हो ना, मेरे से कर रहे हो ना, सबसे नहीं करना वैसा, समझे ना। बात ही नहीं की उनसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे मत करना, मेरे से करो ठीक है। ठीक है ओवर एक्टिंग मत कर। चल बैठ के बैठ जा। क्या हो गया? अरे भाभी अभी क्या मतलब, हटाओ आओ आओ इधर देखो। गुस्से में देख रहा है, हरकत करेगा तो सुनिएगा। देखो गुस्से में देख रहा, गुस्से में देख रहा है। देखना ऐसा क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो तुम? काम तो करता हॉल में सोऊंगा। तुम हॉल में सोएगा मेरे साथ? शादी अच्छे से बोल लो यही चीज। हाँ रिटर्न मत कर, तैयार हूँ जाने का। इनको तू तो कहीं लेके जाएगा नहीं। मैं लेके नहीं जाता हूँ। चल अरे भाभी गाना गाओ ना वो। आप गा दो वो पल भर में कैसे बदलते हैं। तो इसको गाना चाहिए। मैं क्यों गाऊँ? अरे सॉरी गाना गा बोल मत कर दे दिशा, थोड़ी देर छोड़ दे। हाँ तो जाना फिर, हम लोग तीन इधर है। चल रहने दे, अपुन जाते हैं, लोग दोनों को बात कर लेंगे। क्यों जाओ भाई? क्यों हम लोग दोनों बात कर रहे हैं? हाँ भाभी के सपोर्ट पे कोई अकेले हो जाएगी भाभी में। चलो मैं भी सपोर्ट करता हूँ तुमको। हाँ। ये सही कर रही हो तुम। हाँ मैं ऐसा साथ में रहता हूँ, हर चीज करता हूँ। क्या चीज की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? बोरू तो कराटे लेता है अपना। मैं कराटे लेगा तो किसको भी गुस्सा आएगा ना। ऐसे इरिटेट होगा तो, ऐसा कोई भी करेगा तो इरिटेट तो होगा भाई। सर पकड़ लेता है। एक तो भाभी दिन भर काम करते हो, ऊपर से रात में सोने। रात में थोड़ा आराम तो मिलना चाहिए। लेकिन मेरी खराटे खराटे कान में खरखर हो रहा है, सब सुनाई कम दे रहा है मेरे को मालूम। लड़की पूरा दिन काम करती है, रात में सुकून की नींद चाहिए। तुम ना अकेले में मेरे को बोलो सब मैं सुन लूंगा। लेकिन सब इधर रहते ही अकेले कैसे बोलूं, किधर लेके जाके बोलूं? सब
टाइम तो रहता है ना। ए बस तेरा आवाज रिपीट कर रही है, कनाडे की आवाज ऊपर से तेरी आवाज। हाथ नहीं चला रही, ऐसा कर, हाथ उसको चलाना बोल दे। जा यार, गुस्से में छोड़ रहे क्या मेरे को? ये तो नहीं छोड़ेगा, गुस्से में देख रहा है। देखने दो, आप छोड़ेंगे ना? हाँ। ये तो कुछ काम का नहीं है, बस सब है वहाँ पे, सब गोद भराई आज तो नीचे छोड़ के जाएगी भाई। ऐसे तो इतना भी नहीं हो, आपको ऐसा लगे ना कि झगड़ा हुआ है? नहीं मैं नहीं लगने दूंगी, तू लगने दे रहे नॉर्मल बिहेव कर। मैं कहाँ झगड़ा करूँ, लेकिन मैं तो मैं झगड़ा कर रही हूँ तुमसे, मैं नॉर्मली तेरे से बात कर रही हूँ, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन तुम तू तू से क्यों बात कर रहे हो? तुम ऐसा तो करते नहीं हो, प्यार से कर लेते हो, आज झगड़े में कर रहे हो। तू में भी तो प्यार है, तू ढूंढ प्यार ढूंढेगा तो किस में भी दिख जाएगा प्यार। ऐसी गर्म हो रहा है यार, जाओ ना। तब बेच रहा मैं भाभी बैठा हुआ है, जा रहा भी है देखो तो मेरी जिंदगी आराम करने आया था तेरे। देखो अभी जिसके लिए कर रही हूं, पूरा आपने कब बोले थे इसको कपड़े ला के साफ करने? नहीं लाया, फिर सुनेगा फिर बोलेगा। आपके और आपको कुछ बोलेगी तो करेगी ना? करूंगा ना मैं। ये बहरा भी हो गया, अंधा भी हो गया। मैं तो जैसे बोलेगी वैसा कर लेता हूँ, ये अभी तक सुन रही है। ये बहरा भी है अंधा भी है, मुझे पता नहीं था ना शादी। कान का इलाज कराना पड़ेगा ना कचरा। अरे उठना जाना भी, कपड़ा लेके मत कर, मत कर, ऐसा, मत ऐसा कर। कौन सी चीज है जो नहीं करते जो तुम इतना ऐसा कर? बोलियो खराटे ले मत रात में, इरिटेट होता है मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती। इसको तो पूरा दिन काम करते रहते हैं तो बाद में रात को सुकून भी नहीं मिलता। सबको दिखता है लेकिन इसको अंधे को दिखता नहीं है। जो रो रहा है, रो रहा है, रो के तो लड़की भी है, तुमको इतनी प्रॉब्लम है मेरे से? अभी जा। मैं तो बोल रहा हूँ तुम अपने घर पे थोड़े दिन के लिए रुको। है ना, मैं भी सोच रही हूँ अभी बाहर जा रहे ना हम, उसके बाद जा रहे हैं। रुकी जाऊंगी, इसका मगज मारे तो नहीं रहेगा। थोड़ा सुकून मिलेगा तुमको घर का अपने। इधर सब सुनते मालूम, ये नहीं सुनते। मैं नहीं सुनता तुम्हारी क्यों? मैं नहीं सुनता तुम्हारी क्यों? इसके अलावा कुछ बोलने आता ही नहीं। खास सेम एक्टिंग की है। किसकी? है ना, रह रहे के समझ में आता है ना कौन कैसा है। मेरे को लग रहा है इसके साथ रह रहे के मैं बहरी अंधी सब हो जाऊंगी। हाँ दो बार बोला आपने, तीसरी बार सुनेगा। अरे जा भाई, वो ला झटकना है मेरे को, निकलना भी है, जाना है मेरे को। जा वो झटक जा, कुछ तो कर कराटे लेने के अलावा। चल जल्दी है, देखो 10 घंटे लगते क्या एक कपड़ा लाने के लिए। बना रहे के लेके आ रहे? अबे क्या वो लंगड़ा भी हो गया क्या? देख कितना बड़ा पागल है, ये कपड़े से सोफा झटकते हैं अभी इससे वो साफ करते हैं। किचन साफ कर, दूसरा ले क्या, दूसरा ला, उठा उसको, उठा घुटन नहीं होती मैं तो बोल रहा हूँ सही होती है यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। जाना दूसरा कपड़ा ला, ये कपड़े से कौन तेरी औरत पोछती है सोफा? अबे वो उठा, नौकर हूँ क्या तेरी? इतना प्यार किया ना, यही सब देखने को मिला मेरे को। अब से जैसा रहना चाहिए ना लड़के लोग को वैसी रहूंगा, जैसा सबके लड़के लोग रहते ना वैसी रहूंगा। सबके लड़के क्या देख रहा है क्या तू जाके? देख रहा हूँ सब। अबे सबकी औरत लोग देख कैसी रहती है तेरे साथ, तो फिर भी अच्छे से हो मैं समझ में आ रही है क्या? भाभी भाभी पैर
अब क्या मतलब है मैंने नहीं की बाप को मछली का बाप मजा आया ना परफेक्ट। इसके बाद प्रैंक हो गया, अभी क्या करना पड़ेगा इसको? क्या करते तुम लोग? झूम मेरा चल ऐसा नहीं अच्छे से मैं तुम देता था, तुम ऐसा धक्का वक्का दे रहे सोचो चल चल झूम मेरा भाई कर पहले चल। अच्छा बताओ कैसी लग रही बता दो बताओ। अब नहीं अच्छे लग रहे हो, अब नहीं अच्छे लग रहे हो। हुआ क्या? तू गेम में ही था, मैं निकल रहा था तो मेरे को देखा भाई क्या बात हो रही है। ऐसे ना यू देखो, ए सीधा हो जाओ बेबा, मेरे को दिन भर ऐसा रहना नहीं। मुझे सजा मिलेगी अब तुम मेरे साथ ऐसे। मैं निशान भाई को सजा दूंगा। उसको दो ही देखो, जब मैं रोया तब कुछ नहीं सजा बजा। अरे वाह, खुद रोया तो सजा देगा। वाह ये काका रसोने वाला है। कुछ सजा नहीं मिलेगी भाभी, कुछ होगा मेरे को बोलना खाली। रात में भी तो उनके बातें करने और खराटे देने पता है वो तो सब सो चुके हम लोग। वो कभी कभी एक दो बार महीने साल भर में निकल जाती है। माफ नहीं करूंगा। क्या चाहिए तुमको? माफ कर कैसे करोगे? जाओ अभी बहुत बड़ा है। अभिलेश के पास बहुत खतरनाक प्रैंक कर दिया हम लोग ने मिलके। ये अभिलेश तो आधा सदमे से उभर ही नहीं पा रहे। बोला शादी के बाद क्या सीन हो गया मेरे साथ? और कैसा लगा? दुल्हन बनी डायन। ऐसी लड़की डायन होती है बेबी। अगर किसी के घर में ऐसी लड़की अगर आ जाए तो फिर मतलब जिंदगी, आदमी की जिंदगी नरक नरक बन जाए। नरक जमीन में ही दोजक मिल गई उसको। कोई नहीं भाई, नहीं देखो अच्छी मिल गई ना। बाबा मैं सोच भी नहीं सकती यार। भाभी देखो मैंने बोला तेरे को अच्छी मिल गई क्या? इसने जवाब नहीं दिया। निशान भाई बोले, अभी भी जवाब नहीं दिया। मैंने बोला तेरे को अच्छी मिल गई ना तो इसने जवाब नहीं दिया। चलो भाई बहुत मजा आया इसी के साथ। लॉक करते हैं इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना।